नमस्कार, पब्लिक एशिया में आपका स्वागत है। आज पंजाब विधानसभा के सामने फिर धरना प्रदर्शन हुआ। धरना प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद भागवत मान ने पत्रकारों के साथ बातचीत करी। क्या बातचीत में कहा, सुनिए। डीजीपी ट्वीट कर रहे हैं कि करतारपुर साहब जाके अत्तवादी बन के आ जाते हैं। डीजीपी साहब ने गल कर की थी, हालांकि उन्होंने माफी मांग ली। मैं कह जी, मैं भी गया सी, पूरी कैबिनेट गई सी, साढ़े ते भी पर्चा दर्ज करो। असी 6 घंटे च साडे गुरु के घरें जाके अत्तवादी बन के आ जाने, जिहड़ी 6 साल तो रही है घरे, जिहदे पैरां च बैठा हुंदा डीजीपी, उहदे बारे की ख्याल है? अरूसा वहीं दूसरी तरफ सुखपाल सिंह ने भी आज विधानसभा के बाहर पत्रकारों के साथ बातचीत की। बातचीत में उन्होंने डीजीपी को हटाने की बात कही। क्या बोले, सुनिए। आज श्रद्धालु जड़े ने कोरिडोर में जाके गुरु नानक साहब के उस स्थान को विजिट कर सकते। ये तो इन्हों करना चाहिए कि पासपोर्ट की शर्त हटाउन, ताकि ज्यादा तो ज्यादा पंजाब के लोग अपन अरदासा पूरी कर सकन। उल्टा इन्होंने डीजीपी को इस तरह का जो बयान दवाया वो बहुत मंदभागा। आशू बारे में कहना चाहना कि आशू जोड़ा है वो कहते हैं कि कैप्टन साहब के बहुत पुराना केस है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक मोगे किसी व्यक्ति के कर रहा है, जिन्हें कतल नहीं किया, गिरदानता के अतवादी आ, यह अतवादियों के घर रहा वा। जबकि आशू के संगीन इल्जाम, और अज चीफ मिनिस्टर साहब ने उस डीएसपी भी डराया, सिखों को धमकाया कि मैं 300 कह रहा।